दोस्तों आज हम आपको एलईडी बल्ब बनाना सिखाएंगे। हमारे पास एलईडी बल्ब बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, सर्किट, एलईडी और उसका जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो सभी रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम इसके के बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, बल्ब बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका टॉप होता है। इस टॉप पे हम इसको मशीन द्वारा इस पर लगा दिया जाता है। इसको लगाने के बाद दोस्तों जैसे हमने पहले से ये लगा रखा है इसको मशीन द्वारा लगा देते हैं। लगाने के बाद दोस्तों इसमें जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही और इसमें एक ट्रैक सा बना हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, उस ट्रैक में दोस्तों हम ये सर्किट का यूज़ करते हैं। ये सर्किट लगा देते हैं। सर्किट लगाने के बाद उसके ऊपर उसको हम बंद करते हैं। जैसे इसको सर्किट लगाने के बाद बंद किया हुआ है, सर्किट के तार इससे बाहर निकाल लिए। उसके लिए इस पर हम ये एक दूसरे मशीन व सांचे द्वारा इसको बिठा दिया जाता है और ये उसमें सेट हो जाता है। सेट होने के पश्चात दोस्तों हम में इस प्रकार का ये बन जाता है। इस प्रकार का बनने के बाद इसमें दोस्तों हमें सर्किट का फिट करना होता है। सर्किट को फिट करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो ये बहुत सारे सर्किट हैं इनमें कोई भी एक एलईडी लेंगे। सर्किट हमने लगा दिया, सर्किट लगाने के बाद एलईडी लगाएंगे। सॉरी एलईडी को यहाँ पर हमने लगाएंगे और इसका जो रेड वाला है ये पॉजिटिव और ब्लैक वाला है ये नेगेटिव। इसमें एलईडी पे लिखा होता है, आपको देखने को मिल रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें दिखाई देता है। एक साइड प्लस का निशान है इस साइड और दूसरी साइड है ये माइनस का निशान है। दोस्तों इस पे एलईडी एक पेस्ट द्वारा, ये पेस्ट होता है हमारे पास, इस पेस्ट द्वारा हाईटेक पेस्ट होता है ये, इस पेस्ट के द्वारा हम इसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद स्क्रू की सहायता से, इसमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू जो हमारे पास रखे हैं स्क्रू इसमें लगा देते हैं। स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों हमारे पास बल्ब है वो इस प्रकार से बन जाता है। इसके बाद इसमें सिर्फ एक ही काम बचा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे वाला भाग जो है वो लगाना। और नीचे वाला भाग लगाते हैं उसके बाद बल्ब हमारे पास कंप्लीट बन जाता है। और कंप्लीट बनने के बाद हम इसे कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और जब कंप्लीट बन जाता है तो बल्ब हमारे पास इस प्रकार से एलईडी बल्ब बनके तैयार हो जाता है। तो हम उसको फिर उसके बाद चेक करते हैं। अगला प्रोसेस होता है इसको चेक करना। चेक किया बल्ब जल रहा है और चेक करने के बाद इससे अगला प्रोसेस जो होता है वो दोस्तों इसकी पैकिंग आती है। जैसे इसकी ये पैकिंग आती है, इसकी पैकिंग को एक इस प्रकार बनाया, इस प्रकार डब्बा बनता है और उसमें हम एलईडी बल्ब को पैक कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें एलईडी बल्ब को आसानी से पैक कर देते हैं। इन्हीं प्रोसेस में हमारा एक अच्छा खासा एलईडी बल्ब बनके तैयार हो जाता है। और अभी ये एलईडी बल्ब मार्केट में बिक्री के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में यदि एलईडी बल्ब बनाना चाहते हैं या रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे, आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, यदि दोस्तों थोड़ी सी भी हेल्पफुल जानकारी है तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड।